हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है जय और केशव सब लोग। तो ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, इनकी तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। यहाँ पे 10th पास कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसी के साथ साथ जिनका ITR कंप्लीट है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा कंप्लीट है और हायर क्वालिफिकेशन जिन्होंने लिया है, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कई तरह की पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है, बोथ मेल एंड फीमेल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है। आगे मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पे बताने वाला हूँ, सिर्फ आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया है कि ग्रुप सी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट निकाली गई है। आगे अब बात करते हैं पोस्ट की। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है इंजीनियरिंग मेट की। इस पोस्ट के लिए टोटल एक वैकेंसी निकाली गई है SC कैटेगरी के लिए, और यहाँ पे 18 से लेकर 30 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास इंजन ड्राइवर और फिशिंग वेसल का सर्टिफिकेट रहना जरूरी है। उसी के साथ साथ आपको 5 साल का एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए तालाब के अंदर, और यहाँ पर 10th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो पे स्केल दिया जाएगा वो है 29,200 से लेकर 92,300 रुपये। उसी के बाद में जो सेकंड पोस्ट है वो है आर्टिजन की। इस पोस्ट के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है और 18 से 30 साल तक कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका यदि डिप्लोमा कंप्यूटर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपका नेशनल सर्टिफिकेट है वोकेशनल ट्रेनिंग का, और उसी तरह आप देख सकते हो इस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस रहता है 2 साल का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो पे स्केल दिया जाएगा वो सेम ही है, 29,200 से लेकर 92,300 रुपये। नीचे जो थर्ड पोस्ट है वो है ट्रेड्समैन की। इनके लिए एक वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे 18 से 25 साल तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आपका ITR रहना चाहिए कंप्लीट। यदि आपके पास ITR का सर्टिफिकेट है मैकेनिक या फिर डीजल या फिर मैकेनिक, फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंटल, कारपेंटरी इस फील्ड के अंदर, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और आपको यहाँ पे 10th पास भी रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको 19,900 से लेकर 63,200 रुपये पे स्केल दिया जाने वाला है पर मंथ। उसी के साथ साथ आपको ग्रेड पेमेंट भी दिया जाएगा 1900 रुपये। सभी पोस्ट के लिए ग्रेड पेमेंट यहाँ पे दिया जाता है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। उसी के बाद में सीमैन की पोस्ट है जिसके लिए 10th पास अप्लाई कर सकते हैं और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए इस पोस्ट के अंदर। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसी भी आपको दी गई है। नीचे आप देख सकते हो ग्रीजर की पोस्ट है जिनके लिए 10th पास अप्लाई कर सकते हैं, आपको भी 3 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए इस फील्ड के अंदर। यहाँ पे आपको 18,000 से लेकर 56,900 रुपये पे स्केल दिया जाएगा। नीचे आते हैं हम और बात करते हैं 6th पोस्ट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो पोस्ट है ये 10th पास कैंडिडेट्स के लिए है, आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 3 वैकेंसी निकाली गई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। 18 से 25 साल तक कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने हायर डिग्री भी कंप्लीट की है, यानी कि इंजीनियरिंग जैसी डिग्री भी आपने कंप्लीट की है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको 18,000 से लेकर 56,900 रुपये पे स्केल दिया जाने वाला है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और जो एक्स सर्विसमैन है, आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है एज के अंदर, तो आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे SC/ST कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन है एज के लिए और OBC कैटेगरी को 3 साल का। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट यानी कि रिटर्न एग्जामिनेशन यहाँ पे होगा। उसी के बाद में आपका PET फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यहाँ पे लिया जाने वाला है, और आखिरी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे लिया जाएगा। तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखी है। तो आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन कब होंगी और कहाँ पे होंगी, इसकी सारी डिटेल्स आपको आपके मेल पे मिल जाएंगी या फिर आपके मोबाइल नंबर पे SMS आ जाएगा। तो अब बात करते हैं किस तरह से आपको यहाँ पे अप्लीकेशन करना है। तो अप्लीकेशन करते हो कोई भी पेमेंट आपको करना नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे ऑफलाइन आपको अप्लीकेशन करना है। तो उसकी भी प्रोसेस देखते हैं हम। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन में आप जाइए। नोटिफिकेशन में सबसे नीचे आपको दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म, तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इसे आपको पूरी तरह से फिलअप करना है। यदि आप इनकम्प्लीट फिलअप करते हो तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो पूरी तरह से पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है, आपका पासपोर्ट साइज यहाँ पे फोटो अटैच कर देना है और इसके ऊपर आपको साइन भी कर देना है। तो एप्लीकेशन फिलअप करने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स, उसी के साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे डेट प्रूफ के लिए, और आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगने वाला है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी आपको इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है, और 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको इस एड्रेस पे सेंड करना है। तो ये जो एड्रेस आप देख पा रहे हो, इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। आप स्पीड पोस्ट या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट के थ्रू सेंड कर सकते हो। तो 3 सितंबर के पहले आपको सेंड कर देना है। तो ये देखिए एड्रेस, तो इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दिया गया है। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप इस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो क्लोजिंग डेट है 3 सितंबर 2021। तो इसके पहले आपको ये एप्लीकेशन यहाँ पे कर देना है, तो जल्द से जल्द कर दीजिए यदि आप एप्लीकेशन करना चाहते हो। तो ये जो आपका एप्लीकेशन रहेगा और डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और आपके पासपोर्ट फोटोग्राफ, आपको एक एनवलप के अंदर फिलअप कर देना है, जिसका साइज यहाँ पे आपको दिया गया है। उस एनवलप के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द मरीन विंग पोस्ट कस्टम कमिश्नर पुणे,
पोस्ट अप्लाइड फॉर और आपके पोस्ट का नाम आपको लिख देना है और आपकी कैटेगरी भी आपको साइड में लेफ्ट साइड में लिख देनी है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपका भी दे रखी है, तो ये आपको पढ़ लेना है और मैंने आपको बता भी दी है। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है, यही प्रॉपर वे है और तभी आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, वहाँ से आप अपडेट्स ले सकते हो। तो यही थी गाइस इस रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन, किस तरह से अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसकी सारी डिटेल्स मैंने आपको भी बता दी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, जरूर वीडियो को लाइक करिए, आपके सारे दोस्तों को शेयर करिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे मिलते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।